नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मंदिर की जमीन पर अधिकार होता है मंदिर में स्थापित मूर्ति का, लेकिन मूर्ति कानूनन बालिग नहीं नाबालिग होती है, यानी मूर्ति और मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने वाले पुजारी को मंदिर का मंदिर की जमीन का संरक्षक घोषित किया गया। अब सवाल यह है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति युगो युगों तक ही बालिग नहीं होगी, तो जमीन अघोषित तौर पर वहां के पुजारी की होगी। अब पुजारी के बाद पुजारी के परिवार की, तो क्या इस तरीके से मंदिर पर जमीन पर पुजारियों का अधिकार ना होते हुए भी पूरे तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र में होता है, और क्या यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जिसमें पुजारियों की जान पर जमीन भारी पड़ जाती है। राजस्थान में बीते कुछ महीनों में तेजी से पुजारियों की हत्या और आत्महत्याओं की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, कहीं भूमाफियाओं की वजह से तो कहीं मंदिर कमेटी की वजह से। तो क्या मामला आस्था का नहीं है? क्या मामला पूजा का नहीं है? क्या मामला ईश्वर की सेवा का नहीं है? क्या मामला सिर्फ जमीन से जुड़ा है जिस पर कब्जा किसका रहे या हो, इस चक्कर में जाने जा रही है। घटनाएं डरा रही हैं, सवाल इनको कैसे रोका जाए, कैसे पुजारी की जान को बचाया जाए, हमेशा के लिए एक ही परिवार के मंदिर पर कब्जे को क्या वाकई में रोका जा सकता है, यह तर्कसंगत ये सही है? क्या भूमाफिया की जमीन पर कब्जा करने की नियत को रोका जा सकता है? इसका समाधान क्या है, क्योंकि अब मंदिर की जमीन जान ले रही है। आज बात इसी मुद्दे पर की, लगातार होती पुजारियों की मौत को रोका कैसे जाए। परेशान कर रहे थे पंडित जी को, दान पेटी लगाते ऐसे थाली हटा दी, तुलसी जाना मत मत दो, यहाँ पर बैठो मत हो, उठो मत हो। मतलब मंदिर से पुजारी को हटाने का, तो पुजारी बढ़ के कोई ना कोई से लड़ाई हो गई कि अपन उसको गलत मान के निकाले। सबसे पहले बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि मंदिरों के अंदर जो पुजारी हैं या तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं या उनकी हत्या की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको तारीख दर तारीख समझाने की कोशिश करते हैं। 8 अप्रैल 2021, दौसा में भूमाफियाओं से परेशान पुजारी ने आत्महत्या की और मामले पर जमकर सियासी बवाल हुआ था। पुजारी का शव जयपुर तक पहुंचा था और कई दिनों तक सियासत हुई थी। 16 फरवरी 2022 बूंदी में भांडा रेंज के अंदर पुजारी ने आत्महत्या की। पुजारी के बेटे का आरोप कमेटी और पिता के बीच में झगड़ा हुआ। 7 जून 2022 बूंदी के डोबरा के अंदर यह हादसा हुआ और रोकने पर पुजारी की हत्या कर दी गई। भरतपुर में संत विजय दास ने आत्महत्या की 21 जुलाई 2022 को और इसको लेकर भी जमकर सियासत हुई थी। अवैध खनन नहीं रुकने पर आत्मदाह उन्होंने किया था, अफसोस उनको बचाया नहीं जा सका। 2 अगस्त 2022 भरतपुर में महतोली गांव में मंदिर में फांसी पर लटका मिला पुजारी का शव और यह अपने आप में एक गुत्थी रही। 3 अगस्त 2022 अगले ही दिन धौलपुर के चंदनपुर गांव में मंदिर के पुजारी का पेड़ पर शव लटका हुआ मिला। अगस्त के अंदर तीसरी घटना 6 अगस्त को घटी। जालौर के जसवंतपुरा गांव के पास संत का शव पेड़ पर लटका मिला। जयपुर में एक पुजारी ने आत्मदाह की कोशिश की और यह घटना है आज की। सिर्फ अगस्त की बात कर ली जाए तो 18 दिन बीते और 3 पुजारी आत्महत्या कर चुके हैं और 1 जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मंदिर में प्रभु की सेवा करना, आस्था के साथ उनका पूजा पाठ करना, यह किसको अखर रहा है? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं वो, क्यों आत्मदाह करने पर मजबूर हो रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, संत समाज से महाराज मुनीश्वर दास महाराज जी। मुनीश्वर दास महाराज जी, सर शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। अगस्त के सिर्फ 18 दिन बीते हैं सर, 3 पुजारी आत्महत्या कर चुके हैं और 1 जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं।
भरतपुर, धौलपुर, जालोर और जयपुर, वजह क्या है इनके पीछे? आप सभी को मेरा जय श्री राधे। और आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल उठाया है और ये सवाल आज नहीं बहुत अरसे से उठाया जाना चाहिए था और उठाया जा रहा था मेरे द्वारा, पर सरकार की हठधर्मिता हमेशा देखने में आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और चाहे कांग्रेस की सरकार हो। जी, मंदिर माफी की बेशकीमती भूमि जो आज महानगरों से लगती है, शहरों से लगती है, उन सभी के ऊपर में भू माफिया और नेताओं की नज़र है और वो लोग येन केन प्रकारण कब्जा करने में लगे हुए रहते हैं। और मंदिर के जो पुजारी है, आज ठाकुर जी की जिम्मेदारी, पूजा की जिम्मेदारी, उस व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके कंधे पर रहती है, पर कहीं ना कहीं भू माफिया और जितने भी ये बिल्डर्स लोग हैं, कॉलोनियाँ काटने वाले, इनको राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त रहता है, अधिकारियों का इनके ऊपर हस्त वरद हस्त होता है और इसलिए ये अपने कार्यों को अंजाम दे जाते हैं। पुजारी अपनी शिकायत लेकर के जाता है तो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कहीं भी पुजारी की सुनवाई नहीं होती है। जी, और लेकिन सर आत्महत्या कहाँ तक जायज है? हम तो प्रभु के लिए लीन हैं, मैं अपने स्वयं अनुभव में देखा है, से अलग हैं, दूर हैं। मैं तो मानकर चल रहा हूं सर, जो पुजारी है, जो संत समाज है, वो लोभ प्रलोभ से दूर है, फिर आत्महत्या क्यों? आत्महत्या शास्त्रोक्त तो हम लोग ये मानते हैं कि एक बहुत कायरतापूर्ण कार्य है, गलत कार्य है। व्यक्ति को जिंदगी के अंदर में संघर्ष करना चाहिए, सामना करना चाहिए, हर स्थिति को फेस करना चाहिए। जी, पर उसकी मजबूरी जब उसके सामने होती है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है या उसको डराया धमकाया जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर में ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती है। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊँगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, महज 18 दिन हुए हैं सर, 3 आत्महत्याएं हो चुकी हैं और चौथी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। क्या पुजारियों को, संतों को प्रोटेक्शन देने में सरकार फेल हो रही है? देखिए विजेंद्र जी, जो भी घटनाएं आपने बताई, अभी आपने, मैं सुन रहा था आपने जो मंदिर के संदर्भ में बताया, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यह मंदिर जो है 2 श्रेणियों में होते हैं, सारे मंदिर मंदिर माफ़ी की श्रेणी में नहीं होते हैं। कुछ मंदिर होते हैं जो निजी मंदिर होते हैं और कुछ मंदिर होते हैं जिनको कभी कहना चाहिए जायदाद दी गई थी और वो एक उनका ट्रस्ट होता है जो रजिस्टर्ड होता है देवस्थान विभाग के तहत। जो देवस्थान विभाग के तहत रजिस्टर्ड होता है वहाँ पे मूर्ति उसकी मालिक होती है, नाबालिग मानते हैं और उसको ट्रस्टी माना जाता है पुजारी को। और पुजारी जो है वो अकेला ट्रस्टी नहीं होता, पूरी ट्रस्ट होती है उसमें, हो सकता है और भी लोग हों और उनमें एक गुरु शिष्य जो है चेला परंपरा होती है, उनमें कोई बेटा नहीं होता, वो चेला लिखा जाता है उसके नाम में। एक कानून ये भी है कि उस मंदिर माफी की ज़मीन को कोई भी व्यक्ति, किसी भी और व्यक्ति के नाम वो नहीं जा सकती है, अंतरित नहीं किया जा सकता है। अभी जो प्रकरण सामने आए हैं, जैसे आज जयपुर के प्रकरण से अगर हम शुरू करें, तो यह एक कॉलोनी का निजी मंदिर है, मंदिर माफी का जमीन नहीं है मामला। और इसमें जो वहाँ पे कॉलोनी की एक समिति थी, समिति के पदाधिकारी जो उस मंदिर को चलाते थे, उनका और पुजारी जो वहाँ पे काम करते थे, इनके बीच का आपसी विवाद था। अब विवाद, दुखद है कि विवाद इतना बढ़ गया कि जो पुजारी हैं उन्होंने आत्मदाह का सहारा लिया। उससे अच्छा होता, बेहतर होता कि इसको और कॉलोनी वासी जो वहाँ बैठते हैं, रहते हैं, जो पूजा करने आते हैं, आप उसमें बैठ के या तो उनका समझौता कराते, उस मामले का निस्तारण कराते, वो ज़्यादा बेहतर होता। दूसरे आपने प्रकरण की बात की, अभी जालौर में प्रकरण हुआ कि वहाँ पे भी मंदिर माफी की ज़मीन नहीं थी, एक मंदिर था निजी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने रास्ता रोक दिया आने जाने का, उससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या की। दूसरा आपने भरतपुर की बात की, तो वहाँ पे पुजारी नहीं थे, वो संत थे और वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन चल रहा था जो वैध खनन है उस क्षेत्र में, उसको वो रुकवाना चाहते थे। ये 2003 से शुरू हुआ। तो मैं एक ही बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, देखिए प्रोटेक्शन की अच्छा, बात उससे पीछे भी जाइए ना, 2 अगस्त को भी जाइए, धौलपुर के अंदर जो
आत्महत्या हुई 75 साल के पुजारी ने पेड़ से लटक के। मैं यही आपको बता रहा हूँ, देखिए पीछे जाइए थोड़ा सा, मैं आपको और ज्यादा पीछे ले जा सकता हूँ। जहाँ तक आपकी सहूलियत वहां तक तो आप गए, इन दो प्रकरण को भी जरा बताइए। मैं इनका भी बता देता हूँ आपको, इन दोनों प्रकरणों में भी जांच होकर के जो अपराधी थे वो अरेस्ट हुए, पकड़े गए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंदिर माफी की जहां जहां जमीन होती है वहां उस मंदिर के रखरखाव के लिए पहले के जमाने में एक बड़ी भूमि का खसरा दिया जाता था कि वहां पे खेती करके वो मंदिर में जो भी भोग होता है या प्रसादी होती है या जो उसकी सेवा करें, जो भी सेवारत होते हैं वो सेवा करने वाले, उन सबको वहां पे उनकी आजीविका चल सके। लेकिन ऐसा स्थिति आई, कभी कभी तो आपस में जो एक किसी कहना चाहिए जो मठ के संरक्षक हैं, मान लीजिए मेन पुजारी हैं, उनके ही शिष्यों में आपस में संघर्ष हो जाता है उस मंदिर पर या उस मठ पर, उस गद्दी तो पर कब्जा करने के लिए। जिक्र कर रहा हूं, राजस्थान में पिछले 18 दिन में 3 पुजारी 3 संत पेड़ पर लटके मिले हैं और उनकी उम्र क्या है, 72 साल 75 साल और 70 के आसपास। देखिए मैं वो तो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हैं, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं तो विजेंद्र जी यही कह रहा हूं आपको कि जो भी ये घटनाएं, और आपने संत विजयदास का जिक्र किया, आपने कहा अवैध खनन है, अब ये बात तो छुपा गए कि 10 महीने पहले सरकार ने लिख कर दिया था इस खनन को रोकिए तुरंत, 10 महीने तक कैसे वो खनन होता रहा। 10 महीने पहले आप इस बात को छुपा गए कि संत को जैसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और लगा कि उनको बचाया नहीं जा सकेगा, तत्काल प्रभाव से उखनन रुक गया। बिल्कुल नहीं, 10 महीने पहले नहीं रुका वो। बिल्कुल नहीं विजेंद्र जी, अब मैं आपको उस घटना की अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर ये भी जान लीजिए कि ये आंदोलन तो शुरू 2003 में हुआ था। 2003 में उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया और ये मांग करी तो तत्कालीन जो सरकार थी उस तत्कालीन सरकार ने सुनिए सुनिए दुख होता है कि जब एक पुजारी एक संत जिसकी उम्र 70-75 साल है वो मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है। बिल्कुल विजयदास महाराज की जो आत्मदाह, सुनिए आत्मदाह जो किया वो उसका तो जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि उस वक्त संत समाज के जो प्रतिनिधि और सरकार के बीच इसके जांच तो की गई होगी। सर मुझे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, मुझे बस ये बता दीजिए कि 10 महीने पहले जो लिखा गया था कि वहां पर खनन को रोकिए, तत्काल रोकिए, 10 महीने तक वहां खनन किसकी शह पर होता रहा, उनकी जांच में क्या आया, उन पर क्या कार्रवाई की गई? यही मैं आपको बता देता हूं। देखिए खनन रोकने की हमारे उन और उन संत समाज के प्रतिनिधियों के बीच जो सहमति बनी थी उस पर कार्रवाई हुई, क्योंकि जो वैध खनन चलता है, जो जिनको लीज के पट्टे दिए, हमने नहीं दिए, वो तो चले आ रहे हैं लगातार 20 साल से 25 साल से, उनको रिलोकेट भी कहिए सर, बस इतना कह दीजिए कि आगे भी अगर कोई संत समाज से इसी तरीके से पेड़ पर लटका मिलेगा तो हमारा उसमें कोई हाथ नहीं और हम ना रोक सकते हैं ना बचा सकते हैं, बस इतना कह दीजिए। प्रोटेक्शन चाहिए, हम उसको पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, कोई प्रताड़ित कर रहा है सरकार उसको प्रताड़ना से रोकेगी, लेकिन शिकायत आती है और कोई बात आती है निमिषा गौर जी निश्चित रूप से काम करती है। इस वक्त वाकई में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हो सकता है किसी और को ये चीजें दिखाई ना दे रही हो। इस वक्त दो चीजें हैं जिनके नाम पर बीजेपी हमेशा से सियासत करती आई, एक है गौ माता और दूसरा है संत समाज। आज संत समाज फंदे पर लटक रहा है, पेड़ पर लटक रहा है और गौ माताएं लगातार वायरस की वजह से डेली जाने दे रही हैं, सैकड़ों गायें मर रही हैं, बीजेपी दोनों को ही नहीं बचा पा रही है। और यहां कांग्रेस की सरकार है विजेंद्र जी, एक ऐसी सरकार है जो संत समाज पर भी यहां तुष्टिकरण कर रही है कि हमारे पास कानून की ये धारा है, कानून की वो धारा है। थोड़ी शर्म कीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, मैं कहती हूं संत समाज को आत्मदाह करना पड़ रहा है, खुद को आग लगानी पड़ रही है। और यहां कांग्रेस की घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था, इन्होंने जब डोली भूमि आंदोलन हुआ था तब कांग्रेस ने कहा था, लिखा उनके घोषणा पत्र में, दिखाई आपने चैनल के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा था हम पुजारियों को एक पेंशन देंगे और पुजारियों को खातेदारी अधिकार का आश्वासन देकर करके राजस्थान में सत्ता में आई है कांग्रेस की सरकार जी। और आज वो धोखाधड़ी के साथ में, अपराधियों के साथ में खड़ी है, मुस्तैदी के साथ। या सुरक्षित नहीं है तो संत समाज नहीं है, हिंदू नहीं है, तुष्टिकरण की भेंट चढ़ती है। जालौर दौसा में वो आपके विधायक के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, जिसने रास्ता खोद दिया मंदिर का और उस हाथ होके उसी पाइप के ऊपर जाकर के उस आदमी ने, उस संत ने आत्महत्या कर ली, बता दीजिए उसको। अरे हम तो दे रहे हैं वहाँ पे सिविल लाइन्स में, तो आपके मंत्री ने अपने घर से मंदिर को हटाया था, याद करिए वो।
ये है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। हम तो पेंशन भी दे रहे हैं, हम तनख्वाह दे रहे हैं, हम भोग और प्रसादी के लिए अनुदान दे रहे हैं। ये हमारी सरकार कर रही है, और जब हमारी सरकार मंदिर में पूजा कराती है तो आपकी पार्टी उसका विरोध करती है। यह है आपका असली चेहरा। आपने पुजारियों को आश्वासन दिया था, जब पुजारी महासंघ ने आंदोलन किया था तो आपने सत्ता में आने से पहले आश्वासन हमने पूर्ण किया। उनको पेंशन भी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, भोग प्रसादी के लिए अनुदान भी दे रहे हैं। ये हम दे रहे हैं अनुदान दे रहे होते, लेकिन जो व्यक्तिगत अगर कोई लड़ाई है आपस में और हमारी संज्ञान माता है तो हम प्रोटेक्शन भी देते हैं, लेकिन आपके विधायक तो रास्ता खोल देते हैं और रास्ता खोल करके पुजारी को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं। और आपकी पार्टी का एक नेता कुछ नहीं बोलता यहाँ पे, बिल्कुल वो भी पुजारी हिंदू ही था। बोलिए, निंदा करिए आपके उस नेता की जिसने वहां उसके रास्ते में खड्डा खोदा, खाई खोदी, उसका रास्ता बाधित किया। करिए निंदा, बोलिए करेंगे क्या निंदा, नहीं करेंगे विजेंद्र जी। ये वो लोग हैं जो राजनीति करेंगे केवल, और मंदिरों के रास्ते में खाई खोदेंगे और पुजारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन निंदा नहीं करेंगे। अब रुक जाइए स्वर्णिम जी, रुक जाइए निमिषा जी रुके ना। मैंने दोनों को इसलिए नहीं टोका क्योंकि मेरे दर्शकों को समझ में आए कि जो बीजेपी के नेता हैं उनको कांग्रेस की वजह से आत्महत्या होती दिखाई दे रही है, और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको बीजेपी की तरफ से आत्महत्या होती नजर आ रही है। और सच्चाई यह है कि आत्महत्याएं हो रही हैं। योगेंद्र जोशी जी करने से बाज आ रही है जोशी जी तक। सर, इस तरीके से जब 70-70 साल के 75-75 साल के जो आशा में लीन रहते हैं, जो सुबह और शाम प्रभु के चरणों में रहते हैं, अगर वो पेड़ पर लटके मिल रहे हैं सर, तो आपको क्या नजर आता है? क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन जितने भी मैंने मामले दिखाए उनमें मुझे किसी में ये चीजें दिखाई नहीं दी कि उसके पीछे का एक कॉन्क्रीट इश्यू मुझे नजर आए या कोई ऐसा मामला नजर आए, बस एक जमीन सबके अंदर मुझे कॉमन दिखाई देती है। देखिए विजेंद्र जी, जिस प्रकार से हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस को याद दिला रही हूं, इसी तरह से वादा इसी, किया इन्होंने। इसी तरह की समाज झुलस रहा है, इसी तरह की राजनीति गांव में होती है, जो यहाँ हो रही ना जी, ये आपको गांव के अंदर मिलेगी। कोई तो पुजारी के साथ मिलेगा, कोई पुजारी के दूसरे परिवार के साथ मिलेगा। ये क्या है जी कि जमीनें पहले गांव के बाहर होती थी और उसके अंदर राजा रजवाड़ों ने इनको 10-10, 20-20 बीघा जमीनें दी थी। आप देखिए ये गणेश मंदिर जो अब शहर के अंदर है, ये किसी जमाने में बाहर था जी। अब जो इस प्रकार के जो मंदिर हैं बड़े बड़े, उनके साथ जमीनें जुड़ी हुई हैं। अब जमीनें जब जुड़ी हुई होती हैं तो उनके परिवार के अंदर बढ़ाव हो जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, उनमें आपस में केसबाजियाँ भी होती हैं। और वहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, आप देखिए कि आजकल हमारे यहाँ की जो मंदिर प्रशासन है, मंदिर के महंत पुजारी, ये राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, कोई किसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो पब्लिक का पैसा आता है वो राजनीतिक पार्टियों को देते भी है ये सहयोग के लिए। तो ये क्या करते हैं कि इस तरह से हर गाँव में, हर क्षेत्र में इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। उनमें कई राजनीतिक दल शामिल होते हैं, वहाँ के सदस्य शामिल होते हैं, कोई बदमाशों पे हाथ रख लेता है तो कोई पुजारी के ऊपर हाथ रख लेता है, इस तरह की क्रियाएं गांव में होती रहती हैं। सर, जब मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा इसे अलग है। देखिए, अगर किसी की हत्या हो रही है तो मुझे उसके पीछे के कारण नजर आते हैं, लेकिन 70-75-72 साल के महंत जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में, और जिसमें उनके लिए सबसे जरूरी है कि प्रभु चरणों में वो लगे रहे, उस वक्त वो पेड़ पर लटके मिल रहे हैं। तो भाई वो इसीलिए लटके मिल रहे हैं कि इस प्रकार की राजनीति जब घर में, गांव में, मंदिर में होने लग जाती है तो उनमें पुजारियों के पास और कोई चारा नहीं रहता। जैसे आपने अभी बताया कि साहब रास्ता रोक लिया तो पुजारी ने आत्महत्या कर ली, तो उसको ये लगता है कि मेरे इनकम सोर्सेस तो है नहीं, मैं परिवार को पालूंगा कैसे, बदमाशों का अड्डा बन जाता है, निकालना भारी कर देते हैं। और यही नहीं राजस्थान में, प्रदेश में और भी देशों में, अपने अपने राज्य में और जगह भी इस प्रकार की चीजें हुई है कि मंदिर के पुजारी के जीना हराम कर देते हैं, लोग निकलना भारी कर देते हैं। इवन अब तो ये जो चल रहा था प्रोसीजर, इसमें कईयों ने तो धमकी भरे पत्र दिए कि तू मंदिर में मत बैठना, नहीं तो तेरे को जो है वो सिर कलम अलग कर देंगे। और निकले कौन? उन्हीं के घर के सदस्य निकले। तो इस प्रकार की क्रियाओं के अंदर गांव की राजनीति, राजनीतिक दल और प्रशासनिक जो प्रशासन मौजूद रहता है, क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य की रोका कैसे जाए? रोका तो इसके अंदर जा ही नहीं सकता, कारण ये संपत्ति से संबंधित मसले हैं, ये लाभ से संबंधित मसले हैं। इनके लिए जो हमारी कोई ऐसा कानून हो सकता है जिसमें तमाम मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया जाए, सरकार के अंतर्गत आ जाए। देखिए, जो नियम और कानून बने हैं वो पुराने कानून हैं, उनके अंदर चेंज करके अगर राज्य सरकार
या कोई इस प्रकार का ट्रस्ट बना दिया जाए जो मंदिर के सभी चीजों का ध्यान रखें, जैसा वहाँ आवागमन, वहाँ किसके पास है, कितना चढ़ावा आता है, इनके आपस के केसेस क्या हैं, पुरातत्व विभाग ठीक है सर, मेरे पास कमी है, अगर निर्णय हो जाएगा तो उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। संतों को इस तरीके से लटकते हुए तो नहीं देखा जा सकता सर, कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान है एक, बिल्कुल बिल्कुल समाधान है इसका। इसका एकमात्र समाधान ये है कि जब भी किसी मंदिर में, या चाहे वो निजी हो चाहे सार्वजनिक, जो भी मंदिर बन गया है किसी के घर के अंदर ना हो, सार्वजनिक स्थान पर मंदिर है, अगर उसमें किसी प्रकार का विवाद इस तरह का आता है, पुजारी हो चाहे वहां का कहना चाहिए उस मोहल्ले का रहने वाला व्यक्ति हो या उस मंदिर से आस्था रखने वाला व्यक्ति हो, वो देवस्थान विभाग में जाकर के एक दरखास्त दे सकता है। उस दरखास्त देने के बाद में स्वतः ही देवस्थान विभाग वहां पे ट्रस्ट कायम करके मंदिर को अधिग्रहित करेगा और उसके रखरखाव से लेकर पूजा की जिम्मेदारी उसकी होगी। मैम संतों को ऐसे नहीं खोया जा सकता, पुजारियों को भी नहीं खोया जा सकता, बीजेपी के पास कोई ऑप्शन है? देखिए विजेंद्र जी, पुजारी के लिए तो ये कहा जाता है पुजारी द्वार पट मत, तो द्वार पट खोलो। आज पुजारी जो है भगवान और श्रद्धालुओं के बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसकी सुरक्षा और जिसकी पूरी संवेदनशीलता सरकार को रखनी चाहिए। और सरकार जो सरकार आज यहाँ पर राजस्थान के अंदर है, उसने वादा किया था कि पुजारियों की पेंशन चालू करेगी। अपने घोषणा पत्र में जब डोली भूमि आंदोलन हुआ तब इन्होंने कहा हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। तो ये झूठे आश्वासनों की जो सरकार है वो सरकार सुध ले और हमारे संत समाज को सुरक्षा प्रदान करे। और आज इतने बुजुर्ग एक डेलीगेशन जिसमें तमाम शीर्ष नेता राजस्थान के कम से कम हो मुख्यमंत्री से जाकर यही मांग कर दे, अगर इतना भी कर पाए तो मैं मानूंगा कि विपक्ष की भूमिका निभा ली है। मुनीश्वर दास महाराज जी, सर अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने शुरुआत में एक अच्छी बात कही कि आत्महत्या वो करते हैं जो कायर होते हैं, मजबूर भी करते हैं सर, तो मैं ये चाह रहा हूं आपसे जानना कि किस तरीके से इन आत्महत्याओं को रोका जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि संत समाज के जहन में ये चल रहा है कि आज मैं अगर फंदे पर लटक जाऊंगा तो कम से कम मेरे बच्चे उस मंदिर के अंदर हमेशा के लिए रह जाएंगे। अरे राम राम, ऐसी तो तुच्छ सोच कोई भी नहीं रख सकता है। और आप देखिए, मैं सबकी बात सुन रहा था पैनल में, आज इसके अंदर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ना कांग्रेस है और ना बीजेपी है। बीजेपी की सरकार में मैंने मंदिर माफी भूमि आंदोलन किया था, बीजेपी की सरकार में मंदिर माफी मुक्ति आंदोलन मैंने किया था कोटपुतली के अंदर में, कोटपुतली के मंदिर माफी भूमि के अंदर कॉलोनियां कट रही थी, वहां के एसडीएम साहब से मैंने अवगत कराया कि श्रीमान जी आप उपखंड अधिकारी हैं और इस कॉलोनी को रोकिए, ये मंदिर माफी भूमि में बन रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप दावा प्रस्तुत करिए। मैंने कहा आप राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, संज्ञान में आने के बाद में आप स्वयं रोक सकते हैं, मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, उनके हितों की रक्षा करने का जिम्मा राज्य सरकार का है। तो मैंने उनको एक दो प्रोसीजर बताए कि आप इस संशोधित नियम के तहत निकाल सकते हैं। राज्य सरकार ने कमेटी बनाई है, नायब तहसीलदार को उसमें शामिल किया है, देवस्थान विभाग इंस्पेक्टर को उसमें शामिल किया है और उनको अधिकार दिया गया है कि अतिक्रमणियों को, अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को तत्काल हटाने का उनके ऊपर अधिकार होता है। परंतु एसडीएम साहब ने मुझे गेट आउट कह दिया और बोले कि आप मुझे कानून समझाने वाले कौन होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कानून के रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। एक मोटी रकम भूमाफियाओं के द्वारा, कॉलोनी काटने वालों के द्वारा उनके पास पहुंच जाती है। जी, उस मामले में राजेश्वर सिंह जी कलेक्टर थे, उन्होंने मेरी बात ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निमिषा गौड़ जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और योगेंद्र जोशी जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। संत समाज को, दोनों पार्टियों को और जो भी इस मामले का हल निकाल सकते हैं सभी को बैठना चाहिए, क्योंकि संतों को जरा सोचिए, 70 साल की उम्र में हम पेड़ पर लटका देखेंगे, ये कौन सी संस्कृति हमारी, इसे रोकना चाहिए। नमस्कार।